नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिकम पाउडर का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डर्मिकम पाउडर को कैसे लगाना चाहिए और डर्मिकम पाउडर की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डर्मिकम पाउडर को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डर्मिकम पाउडर एक एंटी फंगल दवा है। डर्मिकम पाउडर का उपयोग त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए डर्मिकम पाउडर का उपयोग किया जाता है। डर्मिकम पाउडर त्वचा पर जलन, खुजली और त्वचा का पपड़ी बनकर उतरना आदि समस्याओं को ठीक करता है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में प्रिकली हीट होने पर भी डर्मिकम पाउडर का उपयोग किया जाता है। प्रिकली हीट गर्मियों के मौसम में होने वाली एक समस्या है। प्रिकली हीट होने पर कमर और गर्दन की त्वचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें बहुत तेज जलन व खुजली होती है। छोटे बच्चों में डायपर रैशेस होने पर भी डर्मिकम पाउडर का उपयोग किया जाता है। डर्मिकम पाउडर शरीर पर अधिक पसीने को सोखता है और त्वचा पर अधिक पसीना आने की वजह से हुए इन्फेक्शन को ठीक करने व रोकने में मदद करता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा पर लाल धब्बे होना, त्वचा पर दाद होना, त्वचा पर खुजली होना और त्वचा पर जख्म होना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा पर पपड़ी जमना, त्वचा का पपड़ी बनकर उतरना, त्वचा में दरारें होना, त्वचा का कुछ हिस्सा सफेद व नरम होना आदि लक्षण भी फंगल इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जांघों में भी हो सकता है, इसलिए जांघों के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर डर्मिकम पाउडर को लगाने की सलाह दे सकते हैं। डर्मिकम पाउडर त्वचा के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करके त्वचा में जलन, खुजली और त्वचा के रैशेस को ठीक करने में मदद करता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डर्मिकम पाउडर की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डर्मिकम पाउडर को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज खुजली, जलन, त्वचा पर सूजन, त्वचा का लाल होना, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर छाले होना और त्वचा पर सुई चुभने जैसी संवेदना ज्यादा होती है या ऐसा कोई लक्षण लगातार बना रहता है, तो ये लक्षण डर्मिकम पाउडर की वजह से एलर्जी होने पर भी हो सकते हैं। यदि आपको डर्मिकम पाउडर को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षण लगातार बना रहता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिकम पाउडर को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। डर्मिकम पाउडर को लगाने से पहले आपको प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद त्वचा को अच्छी तरह से सूखा लेना चाहिए। त्वचा के अच्छी तरह सूख जाने के बाद आपको डर्मिकम पाउडर को लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डर्मिकम पाउडर को प्रभावित एरिया पर दिन में एक बार से लेकर दो बार लगाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर डर्मिकम पाउडर को दो सप्ताह से लेकर चार सप्ताह तक लगातार लगाने की सलाह दे सकते हैं। डर्मिकम पाउडर की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डर्मिकम पाउडर को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लगाना चाहिए। डर्मिकम पाउडर को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिकम पाउडर को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक डर्मिकम पाउडर को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक डर्मिकम पाउडर को लगाने की वजह से अनवांटेड साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, इसलिए जब तक फंगल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए तब तक संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों और शारीरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। डर्मिकम पाउडर को आँख, नाक, मुंह और वजाइना के अंदर लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डर्मिकम पाउडर को आँख,
नाक मुंह और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर डर्मिकम पाउडर को लगाते समय यदि गलती से डर्मिकम पाउडर आँखों में चला जाता है तो आपको तुरंत ही आँखों को पानी से धो लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डर्मिकम पाउडर को लगाना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डर्मिकम पाउडर को लगाने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका डर्मिकम पाउडर से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।